और ये देखिए मेरे ये कटिंग से मैंने जो ग्रो किया था इसमें फ्लावरिंग हुआ था, तो इसमें सीड भी ग्रो हुआ था इस बार। तो इसमें ये देखिए इसमें सीड में फंगस लग गया है। अगर यही सीड्स ग्रो नहीं हुआ रहता और ये सीड्स पोट्स ओपन नहीं हुआ होता और टाइम लगता तो ये सारा का सारा सीड्स ख़राब हो गया। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं सारे सीड्स हेल्दी हैं। तो सीड्स को ग्रो आप कभी भी कर सकते हैं, इसके डोरमेंसी में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ होगा, थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही क्योंकि इसके सीजन में आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। और आप इसको ग्रो नहीं भी करेंगे तो ये 2-3 महीने के बाद उतना कारगर नहीं रहता है जितना कि आप तोड़ते समय तुरंत लगाते हैं। जब भी आपके पास सीड हो तो इसे तुरंत ग्रो करें तो काफ़ी स्पीडली उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया है और चलिए इसे लगा के दिखाते हैं। और हम इसे लगाएंगे प्योर सैंड में लगाएंगे, जिसे हम बालू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आता है, रूट्स को डेवलप होने में काफ़ी सहायता मिलता है इसे। तो हम इसी में लगा देंगे और इसमें मैंने लगा दिया और इसके ऊपर एक पतला परत सैंड का ही इसके ऊपर हम डाल देते हैं और मैंने सीड्स को ढक दिया है। और इसमें कोई शिकायत का मौका हम इसे नहीं देंगे। अभी साफ फंगिसाइड से स्प्रे करेंगे इसे पानी और इसे एक प्लास्टिक से हम इसे ढक देंगे, इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। इसमें साफ फंगिसाइड को स्प्रे करके अच्छे रीति से और प्लास्टिक बैग से इसे ढक देते हैं। प्लास्टिक बैग से ढकना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मॉइस्चर होल्ड रहे। ढकने का कारण ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है और उसके कारण सीड ग्रो होने में काफ़ी सहायता मिलती है स्पीडली। तो इसे 12 दिन के बाद हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, अक्टूबर के आज 29 तारीख है और हम रिजल्ट देखेंगे जो हमने सीड लगाया था 10 दिन पहले उसका क्या रिजल्ट है। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, अभी देखा नहीं है और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो मैं आपके सामने ही इसे खोलूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग सारे सीड्स ग्रो हो गए हैं। जितने मैंने सीड्स डाला था इसमें काफ़ी और काफ़ी बेहतरीन हुए हैं, काफ़ी सारे सीड्स स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि आप एडेडियम के सीड्स को अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं और नवंबर में भी। ये सीड्स ग्रो करने का हमारा यही मकसद था कि इस महीने में रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो इस महीने में आज 29 तारीख है और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 दिन हम इसे इसी प्रकार इस प्लास्टिक से ढक देंगे और उसके बाद खुले में इसको पूरे धूप में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ। बाय बाय।